सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बजाज कंपनी से लोन ले रखा है और मोरेटोरियम की राहत मिलने के बावजूद भी उन पर कई तरह के चार्ज लग कर आ रहे हैं। उनके अकाउंट में बैलेंस होता है तो पैसे कट जाते हैं, और अगर बैलेंस नहीं होता है तो उन पर चार्ज लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हो। आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आपका पैसा नहीं कटेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना जिससे आपको आसानी समझ में आ सके कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से काफ़ी लोन कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कस्टमर को मोरेटोरियम की राहत दे दी है, क्योंकि उनके कस्टमर केयर जो होते हैं उनसे लोगों की बात हो जाती है और उनको राहत मिल चुकी है। लेकिन बजाज कंपनी दोस्तों ऐसी है जिसका ना तो कोई कस्टमर केयर नंबर लगता है ना ही उनसे बात हो पाती है। तो ऐसे में काफ़ी कस्टमर हैं बजाज के जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। तो ऐसे में वो दोस्तों किस्त कहाँ से भरेंगे। बजाज कंपनी ने अपने कस्टमर को सिर्फ धोखा दिया है, क्योंकि जब उन्होंने पहला मोरेटोरियम अप्लाई किया था तो काफ़ी लोगों को मोरेटोरियम के लिए अप्लाई का ऑप्शन आया था, लेकिन उनमें से कई कस्टमर ऐसे थे जिनको मोरेटोरियम की राहत मिल चुकी थी। लेकिन काफ़ी कस्टमर ऐसे थे दोस्तों जिनको मोरेटोरियम अप्लाई तो हो चुका था लेकिन उनके अकाउंट से फिर भी पैसे कट रहे थे। जिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं थे उन पर चार्ज लग के आने लगे। जब दोस्तों मोरेटोरियम 2 शुरू हुआ तो तब भी ऐसा ही कुछ हुआ, बजाज कंपनी ने ऐसा ही अपने कस्टमर के साथ किया। तो दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, कई जगह पर लॉकडाउन खुला हुआ है, कई जगह पर लगा हुआ है। तो ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं कि वो अब किस्त कहाँ से भरेंगे, अगर किस्त नहीं भरते हैं तो उनके अकाउंट में चार्ज लगा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करते ही आप पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा और ना ही आपको कोई पैसे जमा करने की ज़रूरत है। और जो बजाज कंपनी जिसका कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं लगता वो खुद आपको कॉल करेगी आपसे ईएमआई के पूछने के लिए कि आप अपनी ईएमआई कब भरोगे। दोस्तों, जिस भी अकाउंट से आपकी ईएमआई कटती है या जिस भी अकाउंट पे आपके जो बाउंस लग के आ रहे हैं जिससे आप ईएमआई भरते हो, आपको उस ब्रांच में जाना है और वहाँ आकर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लगानी है कि सर हमें अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कराना है। तो वीडियो डीएक्टिवेट के नाम दोस्तों छोड़ गए हैं, आप वीडियो पूरा देखें। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों कराना है, तो आप उनसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो कि सर हमारा ऐसे बजाज में एक लोन चल रहा है और वो हमारे ऊपर कोई भी राहत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे आप अपनी परेशानी उन्हें शेयर कर सकते हो, तो वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे जब तक आप चाहते हो तब तक। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो तो आपके अकाउंट में कोई भी चार्ज लग के नहीं आएगा, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसे में बजाज कंपनी आपको खुद कॉल करेगी जब उन्हें पता लगेगा कि आपका अकाउंट बंद हो चुका है, तो वो आपसे खुद कॉल करेगी कि आप अपना पैसा कब भरोगे। और दोस्तों वो आप पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि मोरेटोरियम सभी कंपनियां दे रही हैं, सभी अपने कस्टमर को राहत दे रही हैं। तो ऐसे में बजाज कंपनी आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेगी, सिर्फ आपसे ये पूछेगी कि आप अपनी ईएमआई कब तक भरोगे और कब से भरना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा देना है। और दोस्तों जैसे ही आपका वर्क करते हो वो शुरू हो जाए और जैसे ही आपके पास पैसे आने लगें तो आपको फिर ब्रांच जाना है और अपना अकाउंट एक्टिव करा लेना है। तो जिससे दोस्तों आपको वही अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप कोई नया अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया है और आपके पैसे आ चुके हैं, अब मैं अपनी ईएमआई कैसे भरूं, क्योंकि आपको अपनी ईएमआई भरनी है, तो दोस्तों आप अपनी ईएमआई किसी और अकाउंट से ही भर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन ईएमआई कैसे भरते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों यही एक तरीका है कि आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा दो जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इससे आप किसी भी तरह का कोई चार्ज भरने से बच सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कराओगे तो आपके अकाउंट पर कई तरह के बाउंस चार्ज होते हैं, वो लग के आते रहेंगे, क्योंकि चार्ज जो होते हैं दोस्तों वो बैंक नहीं भेजती, जो कंपनियाँ होती हैं जैसे बजाज कंपनी है जो बैंक पर प्रेशर डालती हैं, उसके बाद जो बैंक वाले कस्टमर पर जो चार्ज लगा के भेजते हैं, क्योंकि जो भी चार्ज लगता है उससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपको दोस्तों अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा देना है, और जब आपके पास पैसे आ जाएं आप अपना वही अकाउंट एक्टिव करा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको अपना अकाउंट ओपन नहीं करना ये वाला, तो आप ऐसे बंद भी छोड़ सकते हो जब, और अपना अकाउंट न्यू खोल सकते हो किसी और ब्रांच में या उसी ब्रांच में।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जो तरीका दोस्तों मैंने बताया है यह 100% वर्क करेगा और यही एक तरीका बचा है दोस्तों जो एक काम आने वाला है। बाकी कई तरीके हमने पहले अपनाए थे जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।